फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम देखेंगे जो टॉपिक है आज हमारा एरोमेटिक का षष्टक सिद्धांत या फिर कहेंगे एरोमेटिक सस्टेट थ्योरी। तो यहाँ पर आज हम जो रूल पढ़ने पढ़ेंगे वो रॉबिन्सन का है और इन्होंने जो सस्टेट थ्योरी दी है उसमें हम 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का आज अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉनों से कम और 6 पाई इलेक्ट्रॉनों से अधिक, ये जो रूल है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉनों से कम का वर्गीकरण या जो उसकी सिद्धांत है उनके बारे में ये नहीं बताता है, और न ही तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनों से अधिक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में भी ये सिद्धांत उसके बारे में नहीं बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एरोमेटिक का षष्टक सिद्धांत। तो रॉबिन्सन ने 1925 द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चक्रीय बासमतलीय यौगिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है, जैसे बेंजीन, प्रोडीन, पायरोल आदि। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो रॉबिन्सन हैं, इन्होंने 1925 में एक रूल दिया था जिसमें चक्रीय, कहने के लिए साइक्लिक और कैसे हो समतलीय, जिनके तल समान हो तो और उनमें क्या हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाए, तो ऐसे सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिकता कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, बेंजीन आता है, प्रिडीन आता है, पायरोल आता है और फ्यूरान भी आता है, एक और आएगा फ्यूरान। तो यहां पर बेंजीन, तो यहां पर ये जो है बेंजीन वाले में यहां पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं। तो यहां पर जो बेंजीन है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह यहां पर जो प्रोडीन है, प्रोडीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी 3 डबल बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर इसके समतुल्य यहां पर ये बनाया है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह यहां पर ये जो है पायरोल है, जो है पायरोल है, ये पायरोल में भी क्या है, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जिसमें जो 2 डबल बॉन्ड है उसके 4 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है उसके जो कि रिंग के अंदर होते हैं और इन सभी को मिलाकर एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी एरोमेटिकता यहां पर दर्शाते हैं। इसी तरह एक जो कंपाउंड है फ्यूरॉन, उसको देखते हैं, यहां पर जो फ्यूरॉन होता है तो ये जो है फ्यूरॉन है और फ्यूरॉन की जो संरचना बनाएंगे तो यहां पर इसके ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो होती है उसमें 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहां पर ये जो फ्यूरॉन है उसके रिंग के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह जो बेंजीन है, बेंजीन की संरचना ये हुई,
प्रिडीन की ये है, पायरोल की ये है, और फिरॉन की ये संरचना यहाँ पर होती है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पर बेंजीन, प्रिडीन, पायरोल और यहाँ पर फिरॉन की अध्ययन किया, उसी बेस पर, उसी सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्या है कि एक रिंग से अधिक रिंग वाले संरचनाओं का भी यहाँ पर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉनों की यह है समवर्त संरचना एरोमेटिक सेस्टेट कहलाती है। आगे देखते हैं, जैसे कि नेफ्लिन में प्रत्येक रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बा 2 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों वलयों में उभयनिष्ठ रहते हैं, कहने में दोनों में कॉमन रहते हैं। इसी प्रकार एंथ्रासीन में पार्श्व वलयों में 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मध्य वलय में 2 पाई इलेक्ट्रॉन बा 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन उभयनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वलय में षष्टक पूर्ण हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो यहां पर नेफ्लिन है, उसमें हम देखेंगे ये जो नेफ्लिन है, इसमें जो आपके पाई या डबल बॉन्ड होते हैं, वो 5 डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें कि एक जो डबल बॉन्ड होता है वो दोनों रिंगों के मध्य में होता है, और एक जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर जो नेथिलीन है, ये जो नेथिलीन है उसके इलेक्ट्रॉनों को हम देखते हैं कि इसके दोनों वलयों में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1 2 3 4 इस रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 इस रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों रिंगों के मध्य में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन। इन्हें कहेंगे हम उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दोनों रिंगों के मध्य में होंगे वो उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह 3 रिंग वाला, कहने वाले ये हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग देखा था, तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग एक में अटैच हुए, इसके बाद एक से अधिक मतलब 2, अब ये तीसरी है जिसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन में क्या होता है यहाँ पर कि प्रत्येक बल जो है पार्श्व, कहना लो ये पार्श्व मीन्स बाहरी बल है, एक बाहरी बल ये है, एक बाहरी बल ये है, ये जो बल है या जो रिंग है वो मध्य वाली है। तो बाहरी बलों में क्या होता है, 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसमें और इसमें 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि मध्य वाली जो बल है उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उभयनिष्ठ होते हैं, दोनों वलयों के इसके इसके मध्य में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, और इस रिंग के मध्य में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर जो हम देखेंगे कि जो बाहरी वलय है उसमें 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हुए, और इस रिंग जो मध्य वाली रिंग और बाहरी रिंग के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं वो उभयनिष्ठ होते हैं, जबकि मध्य वाले रिंग में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मध्य वाले और एक लास्ट वाली जो रिंग है, तो लास्ट वाली रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, और लास्ट से और मध्य वाले के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये उभयनिष्ठ होते हैं, जैसा कि हमने अभी यहां पर डेफिनेशन में भी देखा था। तो जिस तरह हमने देखा कि प्रत्येक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाते हैं, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एरोमेटिकता प्रदर्शित
करता है। तो यहां पर नेथलीन में भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होता है, एंथ्रासीन में भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होता है जो कि रोबिंसन ने दिया है, और उनके बेस पर इनको हम समझा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पैरा बेंजो क्विनोन होता है वो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो नहीं करता है। तो जो पैरा बेंजो क्विनोन होता है उसको क्या है, उसकी रिंग के अंदर ओनली फोर पाई इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पैरा बेंजो क्विनोन जो होता है इसको हम मिटाते हैं यहां पर, और यहां पर हम देखते हैं अब यहां हम देखते हैं पैरा बेंजो क्विनोन ये है पैराबेंजो क्यूनोन। पैराबेंजो क्यूनोन अब हम इसको इसमें क्या है कि ये जो रिंग है रिंग के अंदर ओनली टू पाई या दो डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ओनली फोर पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो है इस रिंग के अंदर ओनली फोर पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए ये एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये पैरा बेंजो क्विनोन है वो एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता है। इसके अलावा हमें एरोमेटिकता या रूल जो है वो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वालों का भी यहां पर स्पष्टीकरण नहीं करता है, और ना ही सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन से अधिक वाले इलेक्ट्रॉनों का भी ये स्पष्टीकरण करता है। तो यहां पर ओनली क्या करता है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली सिक्स पाई इलेक्ट्रॉनों का ही यहां पर अध्ययन किया जाता है। तो जो जिस कंपाउंड में या जिस रिंग के अंदर यहां पर कहा गया है कि चक्रीय व समतलीय वलय के रिंग के अंदर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं, तो वो एरोमेटिक स्टेट थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार उनको लागू किया गया है जिसे रोबिंसन ने दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।